महाराज ये आदेश पढ़ो सेनापति। कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत का यह विजयी अश्व जिस जिस राज्य में यात्रा करेगा उस राज्य को कौशल का आधिपत्य स्वीकारना होगा। अश्व को रोकने का अर्थ कौशल की सेना से युद्ध करना होगा अर्थात अपना अस्तित्व मिटाना होगा। कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत की 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 महाराज प्रसन्नजीत की। गुरुदेव विवाह का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हो वो ही निकालिएगा। हाँ गुरुदेव, सिद्धार्थ और यशोधरा के विवाह की बात है। गुरुदेव जो भी सबसे पहला मुहूर्त हो वही निकालिएगा। हमारी यशोधरा इस विवाह को लेकर बहुत उतावली है। देखिए ना, इस समय भी वो यहाँ नहीं है सिद्धार्थ के साथ। क्या कर रही हो? तुमसे बदला ले रही हूँ। अरे वो तो पैसे की है। विवाह का शुभ मुहूर्त आज से 7 दिन बाद पूर्णिमा को ही है। बधाई हो महाराज। बधाई हो। बधाई हो दीदी। बधाई हो। बधाई हो। बधाई। बधाई हो महाराज। बधाई हो। बधाई हो। अनुज आज कपिलवस्तु नगर में मिठाइयां बांटो, बजाओ गगन ढोल, घोषणा करो कि कल से 7 दिनों तक सारा कपिलवस्तु और देवदा विवाह के बाराती होंगे। अवश्य। ऐसा आमंत्रण तैयार करो कि भारत वर्ष का कोई भी राजा युवराज के विवाह में आने का लालच रोक न सके। इस बार कौशल नरेश प्रसन्नजीत, मगध नरेश, महाराज बिंबिसार और वैशाली के लिच्छवि सारे एक साथ कपिल वस्तु के अतिथि होंगे। बधाई हो। आप प्रसंग अनुसार कार्य सूची बना ले, मैं कुछ ही क्षणों में उपस्थित होता हूं। महाराज गुप्तर आर्यक का प्रणाम स्वीकार करें। आर्यक क्या समाचार? महाराज समाचार अशुभ है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिया और प्रयत्न पूर्वक उस अश्व को शाक्य गणराज की ओर धकेला जा रहा है। कोई पर्याय? केवल दो, या उनके आधिपत्य को स्वीकार करें या फिर युद्ध। तो फिर युद्ध ही होगा। अपने गुप्तचरों को चौका न करो और उनके अश्व की दिशा पर हर समय दृष्टि बनाए रखो। इस समय उनका अश्व कपिल वस्तु से कितनी दूरी पर? 7 दिवस की दूरी पर है मारा। 7 दिवस। विवाह का शुभ मुहूर्त आज से 7 दिन बाद पूर्णिमा को ही। कुछ ही देर में उपस्थित होता हूँ कहकर आप अचानक कहाँ चले गए भैया? हम सब कब से आपकी राह देख रहे थे। हमने तो सिद्धार्थ के विवाह की सारी तैयारियां भी कर ली हैं। हाँ भाई महाराज, इतनी तैयारियां हो चुकी है कि यदि वो दोनों यहाँ होते तो कदाचित हम उनका विवाह ही करा देते। भैया ये है विधि का क्रम, देखिए
भाई महाराज, कुलगुरु ने इस शुभ अवसर पर एक मंदिर बनाने का भी सुझाव दिया है। और ये आमंत्रण पत्रिका भी तैयार हो गई है, ये देखिए। देव, आमंत्रण विवाह का नहीं, युद्ध का होगा। स्वागत के स्वर नहीं, युद्ध के नगाड़े बजेंगे। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने अश्वमेघ यज्ञ किया है और वह अश्व शाक्य गणराज की ओर आ रहा है। राजा दंडपानी, हमें विवाह स्थगित करना होगा। भाई महाराज, क्या प्रसन्नजीत का अश्व शाक्य सीमा में प्रवेश कर चुका है? नहीं अनुज। अर्थात हमारे पास समय है? हाँ महाराज, ये भी तो हो सकता है कि वो अश्व कपिल वस्तु की सीमा में प्रवेश करे ही ना। फिर तो हम सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी विवाह को पीछे धकेलना अच्छा नहीं, फिर पता नहीं कब क्या हो जाए। जब निर्णय लिए जा रहे हो मंगला, तब दूसरों के मन में दुविधा उत्पन्न करना अच्छी बात नहीं। अमिता, मैं तुम्हें वचन देता हूं, विवाह होगा, अवश्य होगा, धूमधाम से होगा, परंतु युद्ध के पश्चात। युद्ध में कोई अनहोनी हो गई तो फिर से स्वयंवर तो नहीं होगा ना? और फिर यशोधरा का हाथ कौन थामेगा? मंगला दीदी, यदि आप शुभ नहीं बोल सकती तो अशुभ भी ना बोले। लो, अब अपने ही अपनों की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि आपको मेरी बात इतनी बुरी लगी तो अब से मंगला कुछ नहीं बोलेगी, बस चुप रहेगी। वैसे चाहती तो मैं भी यही हूँ कि ये विवाह रुक जाए। अपनों से कहकर हम विवाह को स्थगित कर सकते हैं, शत्रु से युद्ध नहीं। आप विचलित ना हो भाई महाराज, हम सब आपके निर्णय के साथ। हाँ महाराज, यशोधरा अब आपकी हुई, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप चाहे जब विवाह करें। तो ये निश्चित रहा, विवाह होगा परंतु युद्ध के पश्चात। अनुज, महामंत्री से कहकर कल शाक्य राजाओं की बैठक बुलाओ। अवश्य भाई महाराज। अब तो श्रीफल चढ़ाने ही पड़ेंगे। सिद्धार्थ, तुम मुझे सदा बेसुध ही रहने देते। क्यों? तुम्हारा ध्यान मेरे पास तो रहता। मैं तुम्हारे पास ही हूं गोपा, पर ध्यान वो कहाँ है? वो तो कभी किसी पंछी के पीछे, कभी किसी सितारों के साथ, तो कभी किसी ब्रह्मांड में, ना जाने कहाँ कहाँ खो जाते हो। सच कहूं, मैं स्वयं भी नहीं जानता।
ये क्या कर रही हो? स्वयं को तुमसे बांध रही हूं। क्यों? कहीं मेरी आंख लग गई और तुम चले गए तो? लो, अब गांठ बांध ली है। अब तुम 7 जन्मों तक मेरे साथ ही रहोगे। युवराज, चन्ना, युवराज, एक अशुभ बात हो गई। क्या हुआ? आपका विवाह कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। पर क्यों? क्योंकि प्रसन्नजीत ने अश्वमेध यज्ञ कर अश्व को छोड़ दिया। कपिल वस्तु में अश्व के आते ही युद्ध होगा। गोपा, सब कुछ ठीक हो रहा? कुछ मत कहो सिद्धार्थ, मैंने तो तुम्हें 7 जन्मों के लिए बांध लिया है। अब विवाह हो या ना हो, देखो मेरा रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? रास्ते में तुम जो मिल गई हो, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मुझे तो लगा था जब तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। क्यों? स्वयंवर के पराजय ने मुझे काला कर दिया है तुम्हारा। माना कि मैं स्वयंवर में पराजित हुआ, परंतु मेरा भाग्य पराजित नहीं हुआ है अभी। अर्थात स्वयंवर के बाद ना तो कौशल से युद्ध का ये शुभ समाचार मिलता, ना तुम्हारा विवाह रुकता, और ना मुझे ये सुनहरा अवसर मिलता। कैसा अवसर? युद्ध में शत्रु पे उठी हुई तलवार के बीच कोई अपना अपना भी तो हो सकता है। हो सकता है ना? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम पहले केवल एक ही उत्सव मनाने वाले थे, परंतु मां अभ्या की कृपा से अब हम 2 उत्सव मनाएंगे। एक प्रसन्नजीत को पराजित करने का और दूसरा सिद्धार्थ के विवाह का। वैसे आप सारी परिस्थिति से अवगत हैं। यदि प्रसन्नजीत हमारी देश की ओर देखेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। हमें एक होकर युद्ध करना होगा और उसके अश्व को रोकना होगा। और उसके अश्व को ना रोका तो? उसका अर्थ यह होगा कि हमने कौशल का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। हमारे पास केवल 2 ही पर्याय है।
कौशल का आधिपत्य स्वीकार करे अथवा उनसे युद्ध करे। महाराज, कौशल हमसे अधिक शक्तिशाली है, उसके पास हमसे अधिक शस्त्र है, अधिक सैन्य है और अधिक अश्वबल भी महाराज। परंतु हमारे जैसा साहस नहीं, हमारा एक एक शाक्य योद्धा उनके दस दस योद्धाओं पर भारी है। मेरा प्रस्ताव है कि हम सबको शांत होकर इस पर विचार करना चाहिए। महाराज, यदि हम प्रसन्नजीत की मित्रता स्वीकार लें तो मित्रता या पराधीनता नहीं चलेगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महाराज, इससे हम धन और जान की हानि होने से बच सकते हैं। यदि वो हमारे अपने प्रदेश में हमारा अधिकार सुरक्षित रखता है तो इसमें हमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? बलशाली मित्र कौन नहीं चाहता महाराज? अर्थात मित्रता के नाम पर हम उनके दास बन जाए? ये मत भूलिए राजा दंडपानी, शाक्य देश एक आदर्श गणराज्य है और उस पर कोई और राज करे ये स्वप्न भी नहीं होने देंगे हम। आपको युद्ध से भय लग रहा है राजा दंडपानी? एक सुझाव है महाराज, क्या हम प्रसन्नजीत के सामने शांति का प्रस्ताव नहीं रख सकते? शांति का अर्थ समझने वाले अश्वमेघ यज्ञ किया नहीं करते पुत्र। अब वो शांति की बात तभी समझ पाएगा जब वो युद्ध में पराजित होगा। अब केवल एक ही उपाय है और वो है युद्ध। क्या आप सभी मेरे युद्ध प्रस्ताव से सहमत है? महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की। अब हमें युद्ध के लिए तैयार होना होगा। सारे शाक्य राजा अपनी अपनी सेना लेकर शीघ्र से शीघ्र कौशल सीमा की ओर प्रस्थान करेगा। हमारी सारी शक्ति कौशल सीमा पर इकट्ठा होगी। प्रसन्नजीत के अश्व को हम शाक्य देश में घुसने नहीं देंगे। नहीं घुसने देंगे। महाराज प्रसन्नजीत की जय हो। बधाई हो महाराज, हम बिना लड़े ही युद्ध जीत गए। हमारे और शाक्यों के बीच जो राज्य था वहां के नरेश आपके प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हैं। उत्तम, अति उत्तम सेनापति बहादुर, यह हमारी विजय का प्रारंभ है। आइए राजन। तो क्या आपको कौशल का आधिपत्य स्वीकार है? जी महाराज। ये हमारी तरफ से आपको भेंट, इसे कौशल के राजकोष में जमा करो और आप जा सकते हैं। हमने आपको अभय दान दिया। अच्छी बात। मुझे ऐसे छोटे छोटे राज्य नहीं, बड़ा देश चाहिए। हमारा अगला लक्ष्य है शाक्य देश कपिलवस्तु। महाराज, शाक्यों को पराजित करना इतना सहज नहीं है। वो बड़े शूरवीर हैं और उनमें बड़ी एकता है, पर हमने फूट डाल दी और उनका एक राजा हमारा साथ देगा और एक बड़ी दीवार को गिराने के लिए एक दरार ही पर्याप्त है।
गुप्तचर, हमारा ये संदेश उस राजा तक पहुंचा दो। वो अपनी सेना को जो दौधन की सहायता के लिए नहीं भेजेगा। राम, उनसे कहना कि कौशल का साथ देने पर हम उनसे अच्छी तरह से मित्रता निभाएंगे। जी महाराज। ये क्या कर रही हो मंगला दीदी? इतने सारे श्रीफल? पूरे 10 सैकड़े। पर किस लिए? क्योंकि इतने जाप जो करने हैं। जाप? पर क्यों? जो काम आपको करना चाहिए महादेवी, वो मैं कर रही हूँ। मानो आई बला को टाल रही हूँ। इतना बड़ा शगुन है कपिल वस्तु के लिए। अपशगुन? कैसा अपशगुन? शाक्य कुल की औरतें बातें करने लगी, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर तो क्या करूं, मैं तो नाम लेने से भी डरती हूं। बड़े ही अमंगल चरणों वाली है। अरे सिद्धार्थ से इसके विवाह की बात क्या चली? देखो युद्ध छिड़ गया। मानो दुर्भाग्य अपने साथ लेकर आई। लो दूसरा अपशगुन, पूजा का दीपक ही गिरा दिया। यशो, जानती भी हो तुम क्या कह रही हो मंगला दीदी? यदि देवदत्त के साथ यशोधरा का रिश्ता होता तो भी ऐसी ही बात कहती? केवल बात ना करती, रिश्ता तोड़ के दिखा देती। दया आती है तुम्हारी सोच पे मंगला दीदी। कल तक जिसका नाम लेकर तुम्हारी जीवा सूख जाती, जिसके साथ अपने पुत्र के विवाह के सपने देख रही, एक ही रात में वह अपवित्र अमंगल अपशगुन हो गई। और नहीं तो क्या महादेवी? हाथ कंगन को तर्पण क्या? देख लो यशोधरा के पद चिन्ह। कहते हैं बहुए कुमकुम वाले पद लेकर चौखट पर आती है, पर ये तो रक्त रंजित पद लेकर आई है। यशो, बुआ आप जो प्रायश्चित कहेंगी मैं करूंगी। मैंने जादी कि मेरे कारण प्रजा या राज्य पर कोई भी विपदा है। पगली, ये कैसी बातें कर रही है तू? जिसको जो कहना है वो कह, पर मेरे लिए तो तू बड़ी भाग्यवान है जो मेरे पुत्र को समझती। और तो देखना, एक दिन यही मंगला दीदी पछताएंगी अपने विचारों पर, जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम युद्ध जीते। हंस तो। और देखना, इसी चौखट पर वो तेरी आरती उतारी तो मैं उनसे कहूंगी, है मेरी बहू से बड़ा कोई शगुन? बुआ, Oh,
महाराज की जय हो। महाराज, एक महत्वपूर्ण सूचना है। कौशल नरेश का अश्व हमारी सीमा में प्रवेश कर चुका है। महाराज, प्रसन्नजीत ने आपके लिए गुप्त संदेश भेजा है। महाराज ने कहा है आप उनका साथ देंगे तो वो इच्छा पूरी करेंगे। हमें प्रसन्नता हुई। अपने महाराज से जाकर कह दो कि उनकी मित्रता हमारे लिए प्राणों से भी अधिक है। उनके आदेश का पालन हो। जी। महाराज, इस समय इस पहाड़ की इस ढलान पर प्रसन्नजीत ने अपना पड़ाव डाल रखा है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने हमारे सीमा में प्रवेश नहीं किया। पर महाराज, उसका अश्व हमारी सीमा के अंदर है और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि किस समय हम उसके अश्व को पकड़ते हैं। भाई महाराज, हमारे सारे शाक्य राजाओं की सेना इस पहाड़ी की दूसरी छोर यहाँ इकट्ठा हो रही है। हमारी सेना कब तक एक हो जाएगी? मात्र 2 दिन में महाराज। और प्रसन्नजीत से हम किस स्थान पर युद्ध करेंगे? हम उसे इस जगह पे चुनौती देंगे, उसका अश्व हम यहाँ पकड़कर बांधेंगे। महाराज, आपको यहाँ नहीं, इस छोटे मैदान के पास सामना करना चाहिए। क्यों? इस मैदान में लड़ने का क्या कारण? यहाँ तो सेना उलझ जाएगी। महाराज, इस छोटे मैदान के चारों ओर ढलान है और यहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बाकी सारे रास्ते छोटे हैं और ऊपर से नीचे की ओर है। हमारी सेना यहाँ ऊपर होगी और उनके नीचे, इस तरह उन्हें लड़ते हुए ऊपर चढ़ने में कठिनाई होगी और इसका ये लाभ होगा, कौशल की बड़ी सेना का एक साथ सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अर्थात महत्वपूर्ण युद्ध इस खाई में होगा। उनके लिए खाई, हमारे लिए चोटी। यानी शत्रु की सेना नीचे और हम ऊपर, हमारा निशाना उन पर अचूक लगेगा महाराज। और प्रसन्नजीत की सेना को भारी नुकसान। इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए ये बड़ी अच्छी रणनीति है भाई महाराज। बधाई हो सिद्धार्थ, बधाई हो क्षत्रिय। बधाई मुझे नहीं, आचार्य कौंडिन्य को देनी चाहिए। उन्होंने ही हमें ये नीति सिखाई और साथ ही हमें ये भी सिखाया कि जहां तक हो सके युद्ध को रोक देना चाहिए, क्योंकि युद्ध केवल विनाश अर्जित करता है। क्या महाराज, हम इस युद्ध को रोक नहीं सकते? सेनापति जी। महाराज, सेना को आदेश दो, कल प्रातः काल हम कूच करेंगे। जी। पिताजी, मेरी बात तो सुनिए पिताजी। कौन है तू? अहिते, क्या कर रहा तू यहां पे? जी, मैं युवराज सिद्धार्थ के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया था। कुमार देवदत्त, मेरा विश्वास कीजिए, मैं कपिल वस्तु और युवराज का शुभचिंतक हूं। तो कौशल का गुप्तचर राजा दंड पाने के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश लाया। तो
आप हैं कपिलवस्तु के शत्रु प्रसन्नजीत के मित्र। और तुम हो अपने ही घर के भेदी देवदत्त। मैंने तो केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाला है, किंतु तुमने और तुम्हारे पिता ने तो कई बार अपने ही भाइयों को मारने का प्रयत्न किया है। क्या हो राजा दंडपानी, यदि ये संदेश मैं महाराज शुद्धोदन को दे दूं। चाहकर भी तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते देवदत्त। नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हमारा शत्रु एक ही है, राजा शुद्धोदन, जो अब आपके संधि हो गए। हाँ देवदत्त, मैं तो तुम्हें ही अपना जवाई बनाना चाहता था, परंतु देखो ना, तुम स्वयंवर जो हार गए। देवदत्त, तुम मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारी करूंगा। ये कौशल राज के गुप्त संदेश की बात हम तक रहे, बस। देवदत्त, युद्ध हारने की तैयारी करो। और समझा नहीं? मैं समझाता हूं। कौशल नरेश के जीतते ही शाक्यों के सिंहासन पर मैं बैठूंगा, और फिर यशोधरा तुम्हारी होगी। और फिर मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा, तुम्हें देवदत्त। संदेश आओ आओ बलदेव, क्या हुआ बलदेव? कुछ कहो बलदेव, किसने घायल किया तुम्हें? क्या हुआ बलदेव, क्या हुआ चन्ना? मैंने ना रास्ते में घायल पड़ा हुआ देखा तो उठाकर यहां ले आया। बलदेव, क्या हुआ बलदेव, कहो। हाँ हाँ बोलो। दंड? किसने दिया तुम्हें दंड? कहो बलदेव, कहो। कहो बलदेव, कहो। हाँ बोलो। पानी लाओ। पानी पियो बलदेव, पानी पियो। पानी पियो बलदेव, पानी पियो बलदेव, पानी पियो बलदेव, बलदेव पानी पियो बलदेव। क्या हुआ इसे, क्या हुआ इसे चन्ना, ये बोल क्यों नहीं रहा? बलदेव, 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 कहो चन्ना, क्या हुआ इसे? अब ये कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोलेगा, अर्थात ये बेसुध है। बलदेव, तुम जाओ, जाकर राजवैद्य को बुला के लाओ। जाओ चन्ना, जाकर राजवैद्य को बुला के लाओ। सुधों से आती है जो बेसुध हो, जिसमें प्राण हो,
पीछे अपने प्राण खो चुका है सिद्धार्थ। नहीं, ये केवल बेसुध है। बलदेव, कहो बलदेव क्या हुआ? मैंने इसे अभय वचन दिया, इसे कोई नहीं मार सकता, ये बोलेगा। बलदेव, बलदेव कुछ कहो, कुछ कहो बलदेव। युवराज, ना तो इसकी सांसें चल रही हैं, ना ही हृदय गति। बलदेव, आंखें खोलो बलदेव, आंखें खोलो। बलदेव, बलदेव, त्यों अटल है युवराज। कहीं तुमने ना देखा हो, तुमने अपने आचार्यों से पुराणों की कथाओं में मृत्यु की बातें सुनी होंगी। परंतु ऐसे कैसे प्राण शरीर को त्याग सकते हैं? यही जीवन की सच्चाई है सिद्धार्थ। नहीं, युद्ध भूमि में न जाने कितने अपरिचित परिचित शवों को आपको देखना होगा युवराज। नहीं लड़ूंगा मैं युद्ध, नहीं लड़ूंगा मैं युद्ध। राज्य की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना होगा। मुझे राज्य की रक्षा के लिए मत समझाओ। मैं किसी मनुष्य को मार नहीं सकता। ऐसे कैसे बिना मनुष्य सम्मति के प्राण शरीर को छोड़ सकते हैं? नहीं लड़ूंगा मैं, नहीं लड़ूंगा। कपिल वस्तु की आशाएं हैं आपसे, आपको युद्ध लड़ना होगा। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, नहीं करूंगा युद्ध, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें जाना होगा। नहीं जाऊंगा मैं, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। युद्ध का अर्थ केवल शत्रुओं को मारना नहीं होता, अपनों को बचाना भी युद्ध का एक हिस्सा है। तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध होने भी नहीं दूंगा। मैं युद्ध को रोकूंगा, रोकूंगा मैं युद्ध को। युवराज, तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। युवराज कहाँ जा रहे हैं आप? युवराज, जाने दो चलना उसे। इन्हें रोकिए। इस समय उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हम, ना ही उन्हें समझा सकते हैं, और ना ही वो समझ पाएंगे। केवल एक ही उपाय है, उन्हें एकांत में छोड़ दो। मृत्यु अटल है युवराज, अटल है युवराज। यही जीवन की सच्चाई है सिद्धार्थ। युद्ध भूमि में न जाने कितने अपरिचित परिचित शवों को आपको देखना होगा योद्धा। मैं तुम ही तो, तुम्हारी भावना, माया, करुणा, दया, और मैं तुम ही में छुपा हुआ तुम हूं। कौन हो तुम दोनों? मैं जल हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं दया हूं, माया हो, करुणा हो, जो स्नेह को जन्म देती है। और मैं अग्नि हूं, वायु भी, मैं क्रोध हूं, ईर्ष्या भी, मैं अहम भी हूं, जो साहस जगाता है, जो पराक्रम करवाता है, जो मनुष्य को सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है। साहस अंधा होता है सिद्धार्थ, जिसे तुमने आज एक अनुचित कार्य किया। अनुचित कार्य? तुमने क्या अनुचित कार्य किया? युद्ध की व्यूह रचना दिखाकर तुम भी तो युद्ध में भागीदार हो ही गए। तुमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, युद्ध अनिवार्य है।
विजय क्षत्रिय का कर्म है और वही तुमने किया। युद्ध केवल विनाश अर्जित करता है सिद्धार्थ, जानते हो तुम। और युद्ध से ही विजय की प्राप्ति होती है, ये बात मानते हो ना तुम? बलदेव की मृत्यु पर क्यों रोए, क्यों विचलित हुए तुम? और व्यूह रचना दिखाने पर सम्मानित भी हुए तुम। युद्ध का परिणाम सैकड़ों शव, रोते हुए रिश्तेदार, वो गांव जो कभी ना मरे, ये मिट्टी, ये माया, ये दया, ये करुणा तुम्हें आंसुओं में बहाकर ले जाएंगे, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देंगे। ये अग्नि क्रोध तुम्हें भस्म कर देगी सिद्धार्थ, मत सुनो। अपने स्वार्थ का ध्यान करो, परमार्थ का कर्म करो। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।